ये जो मिक्स वाला डोसा डाला था जिसमें प्याज, धनिया, मिर्च, मटर और पनीर भी जो बचा था पहले वाले डोसे का, तो वो भी ऐड कर दिया था। तो ये है, अब इसको पलटाते हैं। बहुत आसानी से पलट जाते हैं, हाथ भी शार्प है। ये देखिए, ये पलटा दिया है, लेकिन इसको थोड़ा मोटा ही फैलाया था क्योंकि सब चीजें डली हैं, तो बहुत पतला करने में फिर लगता क्या सही क्या। बस ये है कि इसको मीडियम फ्लेम पे सेंक रहे हैं। जो पहले डोसा सेंका था सिंपल प्लेन वाला, वो हाई टेम्परेचर पे हाई फ्लेम पे ही सेंक लिया था। पहले बिल्कुल लो फ्लेम रखी जब डाल रहे थे डोसा, बाकी हमने ऑयल पानी वगैरह कुछ नहीं तवे पे लगाया था, बस तवा ही क्लीन कर लिया था नैपकिन से, और थोड़ा गर्म हो गया था आधा मिनट करीब ही, फिर डोसा फैला दिया था। तो ये बहुत आसानी से पलट भी जाते हैं। तो अभी ऐसे घुमा घुमा के सेंक लेंगे अपन, थोड़ा लाल सा हो जाए। अब ये है कि अगर स्टफिंग नहीं बनाना है, कभी बच्चों के लिए बनाना चाह रहे, जल्दीबाजी है, टाइम नहीं है ज्यादा, तो ऐसे ही इसी में मिक्स कर लें। जो दाल अभी दिखाई थी आपको, इसी में सारी चीजें मिक्स कर दी। जो पनीर बचा था ग्रेट किया हुआ, वो भी मिक्स कर दिया था, और हल्का सा दही भी अगर चाहें तो कर लें मिक्स। तो हम तो ये दही नहीं डाला और बाकी सब्जियां डाल दी थी जो दिखाई है आपको। अब सिकने वाला है, तो ये तो सॉस के साथ ही खाएंगे, वो भी सॉस के साथ ही, या सांभर के साथ खाना चाहें जैसे स्वाद हो। हम तो हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ये पक गया है, अब और थोड़ा हो जाने दीजिए क्योंकि मोटा फैलाया है। तो कोई भी चीज हो, थोड़ा ज्यादा पकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बहुत बेकार ना होने पाए। पर जैसे पूड़ी हो या कोई डोसे वगैरह हो, लगता थोड़ी अच्छे से सक जाए, कच्चे ना रहें कि फिर नुकसान करते। थोड़ा और सक जाए अच्छे से, तो ये जो स्टफिंग बनाई थी अभी, पहले जो सिंपल डोसा बनाया था उसी के लिए स्टफिंग थी। तो इसमें वही किया था, पहले राई, कड़ी पत्ता, हल्की सी हींग डाली थी बिल्कुल फ्लेवर के लिए, और फिर ये प्याज मटर वगैरह। जब ये हो गई थी, फिर हल्का सामचूर पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये सब डाल दिया था। और फिर बाद में जब डोसा सिक रहा था, आप लोग देख रहे थे, डोसे सिकने में पहले पनीर ग्रेट करके, ताकि पनीर भी थोड़ा सिक जाए, और फिर ये स्टफिंग डाली थी। तो ये देखते हैं अब डोसा, और थोड़ा सिक जाने दें। वैसे ये देखो लाल तो हो गया है, लेकिन थोड़ा और सिक जाने दें। हो गया है, पीछे भी लाल हो गया है, और हाई फ्लेम पे ही हो रहा है। पतला करने में ये लग रहा था कि इसमें सब मिक्स है ना सारी सब्जियां, तो वो फिर ऐसा नहीं कि कोई डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए थोड़ा हल्के से मोटे से ही ये बनाने चाहिए। तो ये है फ्रेंड, ये अभी जो सिंपल डोसा बनाया था ये वो वाला है, ये है। सिंपल वाला डोसा है, और ये जो प्लेन वाला बनाया था, ये प्लेन वाला डोसा है, ये सिंपल वाला है। तो ये टोमेटो सॉस है, तो टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं दोनों ही, जैसे भी आप चाहें। और हरी चटनी के साथ भी अच्छे लगते हैं, और नारियल की चटनी भी, नारियल थानी हमारे यानी, तो बनाते नारियल की चटनी मूंगफली को रोस्ट करके भी, अच्छा लगता है इसी के साथ खाना। जैसा टाइम हो, अगर जल्दी हो तो सॉस के साथ ही अच्छे लगते हैं ये सिंपल वाले।